हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है और ये आपकी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है और आपको कभी कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और आपको अस्पताल में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, दो तरह के एडमिशन्स होते हैं। एक होता है प्लैंड एडमिशन और दूसरा होता है इमरजेंसी एडमिशन। प्लैंड एडमिशन में क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आप अपने डॉक्टर को रेगुलर जाके दिखा रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपका डॉक्टर कुछ ऐसा डायग्नोसिस बनाता है कि नहीं भाई, इस बीमारी को इलाज करने के लिए आपको भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा बहुत सारे सर्जरी के जो केसेस हैं, जो प्लैंड सर्जरीज होती हैं, उनमें होता है। जैसे कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन निकल आता है, कई बार रीनल स्टोन निकल आता है, कुछ ट्यूमर्स निकल आते हैं। तो इस तरह की कोई बीमारियां जो आप ओपीडी के थ्रू डायग्नोस हो जाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपको भर्ती होना पड़ेगा, तो उस समय वो प्रिस्क्रिप्शन पर लिख देता है आप एडवाइज्ड एडमिशन। तो आपको अपने टीपीए को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है कि आप आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर डेट पर अस्पताल में भर्ती होने वाले हैं इस इलाज के लिए जो डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके अस्पताल का जो एक टीपीए डेस्क होता है वहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे आपके पास आपके टीपीए का वैलिड कार्ड होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस का दिया हुआ वैलिड टीपीए कार्ड होना चाहिए। उस टीपीए कार्ड के ऊपर आपका पॉलिसी नंबर लिखा होता है और आपके टीपीए का नाम लिखा होता है। या अगर आपके पास टीपीए कार्ड नहीं पहुँचा है तो आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उससे भी बात बन जाती है, उसमें टीपीए का नाम लिखा होता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ, दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। एक जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, तो उनके अपने इनहाउस टीपीएस होते हैं, तो उनके टीपीए का नाम भी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे ही होता है। जैसे स्टार, स्टार का टीपीए भी स्टार ही होगा, या जैसे HDFC अर्गो इंश्योरेंस कंपनी, उसका टीपीए भी HDFC अर्गो ही होगा, या ICICI लोम्बार्ड, तो उसका अपना टीपीए ICICI लोम्बार्ड ही होगा। लेकिन अगर दोस्तों आपकी पॉलिसी किसी PSU इंश्योरेंस कंपनी से है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया है, यूनाइटेड है, तो ये खुद से अपना इनहाउस टीपीएस नहीं चलाती हैं। इन्होंने अपना काम जो है वो थर्ड पार्टीज़ को दे रखा होता है, जिसको हम टीपीएस या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जैसे रक्षा टीपीए हो गया, विपुल टीपीए हो गया, मेडियसिस टीपीए हो गया, तो इस तरह के जो टीपीएस हैं वो इन इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदते हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनीज़ डायरेक्ट करती हैं टीपीएस को कि आप हमारे इंश्योर्ड को सर्विसेज देंगे और हेल्प करेंगे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में या रीएम्बर्समेंट प्रोसेस में। तो दोस्तों, आपको उस टीपीए का नाम जानना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, और उसके अलावा वो प्रिस्क्रिप्शन जिस पर डॉक्टर ने एडमिशन एडवाइस किया है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जिसकी वजह से आपका डायग्नोसिस बना है उस बीमारी का। ये सब चीज़ें दोस्तों लेके जब आप टीपीए डेस्क पे पहुँचते हैं तो टीपीए डेस्क एक प्रीऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो डॉक्टर भरता है। तो वो अपने उस डॉक्टर से इस फॉर्म को फिल करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं, आपसे भी एक साइन करा लेते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपकी इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं एक एस्टिमेटेड बिल के साथ। उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको एक इनिशियल अप्रूवल दे देती है। अगर आपने दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्वेरी नहीं लगाती और आपको अप्रूव कर देती है एडमिशन के लिए। लेकिन कई बार अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी हो या इंश्योरेंस कंपनी को कुछ जानकारी चाहिए तो इस बीच में क्वेरी भी लगा सकती है कि ये XYZ डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल कराइए। तो टीपीए डेस्क आपको कॉन्टैक्ट करती है और फिर से वो डॉक्यूमेंट लेके इंश्योरेंस कंपनी को भेजती है। फिर जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप उस डेट पर एडमिट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास अगर आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड है और आपके पास टीपीए आईडी कार्ड नहीं है, तो आपके एम्प्लॉय आईडी के बेस पर भी आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो सकता है, बशर्ते आपको अपने टीपीए का नाम पता हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की। तो ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें आपको अचानक से अस्पताल की इमरजेंसी में जाना पड़े, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो इस केस में आपके पास प्री इंटीमेशन करने का टाइम तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या IRDA ने गाइडलाइन दे रखी है कि आपको विदिन 24 आवर्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीओ को इंटीमेट करना होगा कि आप अस्पताल में भर्ती हो गए। बट ये इंटीमेशन का काम करता कौन है? आप भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर लिस्ट किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको
हॉस्पिटल की टीपीए डेस्क पे जाना होता है और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क इन डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर से वो प्रीऑथराइजेशन फॉर्म भरवाता है और फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता है। फिर वही प्रोसेस होता है कि आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाता है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि अस्पताल ने तो 2 लाख का एस्टिमेट भेजा था बट इंश्योरेंस कंपनी ने तो आपका 25-30 हज़ार इनिशियल अप्रूवल दिया है। तो दोस्तों वो इनिशियल अप्रूवल होता है, वो फाइनल अप्रूवल नहीं होता है। प्रोसेस ये होता है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको परमिट करता है कि जी ठीक है आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए और वो एक इनिशियल अमाउंट अप्रूव करके आपको भेज देता है। बीच बीच में अस्पताल का बिल जैसे जैसे बढ़ता है अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करता है या एनहेंसमेंट की रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन कई बार उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी से क्वेरीज आ जाती हैं, वो हॉस्पिटलाइजेशन का जस्टिफिकेशन मांग सकता है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, या जैसे आप का मान लीजिए इंडिविजुअल पॉलिसी है तो आपका कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी के लिए आपसे पुराने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, तो ये भी आपको संभाल के रखने चाहिए। दोस्तों एक और मैं आपको ज़रूरी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप अस्पताल में आते हैं तो आपको अपना रूम एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक जनरल रूल है कि जो रूम की एलिजिबिलिटी है वो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पॉलिसी 5 लाख की है तो आप 5,000 रुपये तक का रूम ले सकते हैं। आईसीयू में वो 10,000 हो जाता है, 2% हो जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए ऐसा रूम ले लिया जो आपकी पॉलिसी लिमिट से ज़्यादा है, तो मान लीजिए आपकी लिमिट थी 5,000, आपने 10,000 रुपये का रूम ले लिया, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि सिर्फ दवाइयों को छोड़ के बाकी जितना भी बिल अमाउंट है उस पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कर देता है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि उस सारे अमाउंट को 50% काट देगा क्योंकि आपने 50% हाइक का रूम लिया है। तो दोस्तों अस्पताल में भर्ती होते समय रूम कैटेगरी का ध्यान से चयन करें, आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसी के हिसाब से रूम चेयर करें या फिर आप अपनी जेब से पैसा भरने को तैयार रहें। तो दोस्तों जब आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाता है, बीच में फिर अनाउंसमेंट आ जाते हैं, फिर बाकी जो फाइनल अप्रूवल है वो आपका डिस्चार्ज के दिन पर आता है। तो डिस्चार्ज के दिन पे अस्पताल को एक डिस्चार्ज समरी बनानी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपका एक पूरा डिटेल्ड बिल इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को चले जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसको फाइनल अप्रूवल के लिए प्रोसेस करता है, जिसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको अस्पताल के साथ उसमें बियर करना चाहिए, वो अस्पताल के हाथ में नहीं होता, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोसेस कर रही होती है और इंश्योरेंस के पास भी क्यू में बहुत सारे क्लेम्स लगे होते हैं। तो जब आपकी बारी होती है आपका अप्रूवल आ जाता है और डिस्चार्ज पर भी दोस्तों कई बार वो क्वेरी लगा देते हैं, बिल को लेके क्वेरी लगा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को लेके क्वेरी लगा सकते हैं, अस्पताल से जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं, तो उसमें कई बार डिले हो जाते हैं। फिर दोस्तों जैसे आपका फाइनल अप्रूवल आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी का एक क्लोज है कि वो आपको कुछ नॉन पेबल आइटम्स नहीं पे करती है, यानी कि जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं कुछ जो आपको पे करने होते हैं एज पर द आईडी गाइडलाइंस। छोटा अमाउंट होता है, नॉमिनल अमाउंट होता है, लेकिन आपको तो लगता है कि कैशलेस है बट एक्चुअल में वो आपको ही पे करना होता है। या दोस्तों अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक ऐसा क्लोज हो कि उसमें आपका कोपेमेंट का क्लोज हो कि जी 10% इंश्योर्ड को पे करना पड़ेगा तो आपको टोटल बिल का 10% पे करना पड़ेगा, या आपकी पॉलिसी में कोई कैपिंग लगी हो कि जी इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी मैं इस बीमारी पे 1 लाख ही पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर बिल उससे ज़्यादा बना है दोस्तों तो उसमें जो भी ओवर एंड अबाउ अमाउंट है, यानी कि अगर मान लो 1.25 लाख का बिल बन गया तो 25,000 आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको वो जानकारी मिली हो जो आपके लिए ज़रूरी थी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको सारे वीडियोस समय पे आते रहें। धन्यवाद।